गुंजन, हमें देर हो रही है, हम स्कूल के लिए निकल रहे हैं। तुम भैया, भाभी और दादी को लेके सीधा ऑडिटोरियम आ जाना, ठीक है? गुंजन, सुन रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? क्या हुआ गुंजन? छुटकी, क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़ी हो? नहीं दीदी, कुछ नहीं। तो फिर ऐसे गुमसुम से क्यों खड़ी हो? अपनी बड़ी बहन को भी नहीं बताओगी कि क्यों परेशान हो? वो दीदी, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो, क्या बात है? दीदी, क्या आप विक्रम के साथ हुए रिश्ते से खुश हैं? अरे इतनी सी बात, हम खुश हैं। और विक्रम कितना अच्छा लड़का है, कितना अच्छा परिवार है। और फिर घर वाले भी तो यही चाहते हैं ना, खास करके बाबू जी। तो हमें किस बात का एतराज? दीदी, हम घर वालों की नहीं, आपकी ओपिनियन मांग रहे हैं। गुंजन, हम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन होनी को तो नहीं टाल सकते ना। अब हमने भी ये सच अपना लिया है कि हम अपना जीवन विक्रम जी के साथ काट लेंगे। लेकिन दीदी, आपकी अपनी भी तो कोई इच्छा होनी चाहिए, और आप बिना अपनी मर्जी की शादी क्यों कर रही हैं? दीदी, आपकी अपनी भी तो कोई लाइफ है, आपकी अपनी ड्रीम्स, उन सबका क्या दीदी? प्लीज आप ये शादी मत करिए दीदी। पता नहीं क्यों, पर इस शादी के बारे में तो सोच सोच के हमारा दिल घबरा रहा है दीदी। दिल घबरा रहा है, लेकिन क्यों? कुंजन, शादी तो हमारी तय हुई है, तो फिर तुम क्यों? छुटकी, क्या बात है? बस जो मेरे दिल में था वो मैंने आपको बोल दिया, बाकी सब आपकी मर्जी। ऐसे भी तो आप सब हमें बच्चे ही समझते हैं, हमारी तो कोई फीलिंग्स ही नहीं। अरे इसे अचानक क्या हो गया? पहले तो कभी इसने ऐसा नहीं किया। गुरुजी, आपसे एक बात कहनी थी। कौन सी बात? गुरुजी, मुझे लगता है मुझे जितना संगीत सीखना था मैंने सीख लिया, अब मन ऊब गया है संगीत से। अगर आप बुरा ना माने गुरुजी, तो अब से नो मोर म्यूजिक और नो मोर रियाज। ये तुम क्या कह रहे हो शेर? जी गुरुजी, मैंने फैसला कर लिया है, मैं ऊब गया हूँ इस शहर से। अच्छा ये कहिए, बेरुखी सी आ गई है इस मिर्ज़ापुर से? बहुत कोशिश की दिल और दिमाग को शांत रखने की, पर एक अजीब सा तनाव आ गया है अंदर। गुरुजी, मैं जो कर रहा हूँ सब गड़बड़ सा हो रहा है, अंदर कुछ कचोर सा रहा है, समझ नहीं आ रहा आपसे क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ। इससे पहले कि मैं अपना दिल और दिमाग सब गवा बैठूं, मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। लेकिन शिव, प्लीज गुरुजी, अब मुझे रोकिएगा मत, अब और नहीं रुक पाऊंगा। वैसे आपके लिए भी अच्छा होगा,
मुझ जैसे नालायक स्टूडेंट से छुटकारा मिले और आपकी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। ठीक है शिव, जैसी तुम्हारी मर्जी। बेटा हम तो सिर्फ इतना ही बताना चाहते थे कि आज हमारी बिटिया गौरी की बहुत बड़ी संगीत प्रतियोगिता है और उसने इस प्रतियोगिता में केवल हमारे लिए भाग लिया है। सोचा था तुम्हें भी ले चलेंगे और अपनी बिटिया से मिलवा भी देंगे, लेकिन वक्त मौका ही नहीं दे रहा है। इसलिए अगर हो सके तो एक दिन और रुक जाओ और हमारी बिटिया का ये मुकाबला देख कर जाओ। हम मैं एक दिन भी और नहीं रुक पाऊंगा। अगर रुक पाता तो जरूर रुकता। देखो शिव, तुमने हमारे और हमारे परिवार के लिए नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। सब लोग बस यही चाहते थे कि हम शराब से दूर हो जाएं, लेकिन इसमें सफल केवल तुम हुए हो। और तुम जानते नहीं हो कि गौरी हमारे इस बदले हुए व्यक्तित्व से कितनी खुश है, पर उसके लिए इससे भी बड़ी खुशी होगी इस संगीत प्रतियोगिता को जीतना, और वो भी हमारे लिए। इसलिए सिर्फ एक बार हमारे साथ चलकर गौरी के सपने को पूरा होते हुए देख लो बेटा, फिर हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। गुरुजी, खुशी तो मुझे भी बहुत है कि शराब से आपको दूर करने में मैं कामयाब हो पाया, पर इस बात का अफसोस भी कि मैं प्रतियोगिता के लिए मना कर रहा हूं। आपको उसकी वजह तो नहीं बता पाऊंगा, पर अपने से स्टूडेंट की बात मान लीजिए प्लीज। ठीक है, जैसा तुम्हारा मन। लेकिन बेटा, तुम्हारे गुरु होने के नाते हम अपनी गुरु दक्षिणा लिए बिना तुम्हें नहीं जाने देंगे। ये भी कोई कहने की बात है गुरुजी? बताइए कितने हुए? पैसे नहीं शिव, हम गुरु दक्षिणा में केवल इतना चाहते हैं तुम हमारे साथ गौरी की संगीत प्रतियोगिता देखने चलो। घर वालों को जल्दी खबर करो, उनकी कंडीशन बहुत खराब है। बाबूजी, हाथ से प्रतियोगिता शुरू होने जा रही है, हम आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। बापूजी, हम ये प्रतियोगिता आपके लिए लड़ रहे हैं। हम ये भली भांति जानते हैं कि एक जमाना था जब आप इस प्रतियोगिता के सम्राट कहलाते थे। बाबूजी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ये प्रतियोगिता जीत सके और आपको वो खुशी दे जिसके लिए आपकी आंखें बरसों से तरस रही हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए। मुक्ति आप चिंता मत कीजिए चाचा जी, मैं हमेशा इसके साथ हूं। चले
काका, मैंने आपके लिए 2-in-1 का इंतजाम कर दिया है। अब आप अपनी बेटी का प्रोग्राम रेडियो पे सुन सकते हैं। मुक्ति, आज 2 बजे प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी, तुम आ जाना, हम निकल रहे। हाँ हाँ गौरी, हम टाइम पे पहुँच जाएंगे। पर तुम्हें कुछ पता चला क्या? किस बात का? यही कि शिव ने अपना नाम कंपटीशन से वापस ले लिया। उसने ऐसा क्यों किया? कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुक्ति, वो ना बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, हार के डर से ना भाग क्या होगा। उसे ना स्कूल में हुई उस छोटी बच्ची से हार याद आ गई। फिर उसने यही सोचा होगा कि जब यहाँ हार गया है तो वहां तो बड़े बड़े दिग्गज आएंगे, तब क्या हश्र होगा उसका, इसलिए चला गया होगा। नहीं गौरी, क्योंकि इस तरह मैदान छोड़कर भागने वालों में से तो नहीं है, जरूर कोई बात होगी। अच्छा ठीक है, जो भी बात है, हम निकल रहे हैं, हमें देर हो रही है, तुम आ जाना। आदरणीय संगीत प्रेमियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कला के इस मंच पर। और हर साल की तरह एक बार फिर से संगीत सम्राट प्रतियोगिता पूरे जोशो खरोश और रोमांच के साथ आपके सामने है। एक खास बात, इस बार ये प्रतियोगिता 1 दिन की नहीं बल्कि 2 दिन की होगी। प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हैं और उसे आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी पिछले 5 साल के संगीत सम्राट उपाधि के विजेता श्री राज बिहारी भट्ट जी को। राज बिहारी जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, इस बार के सारे प्रतियोगी जो कि सेमीफाइनल तक पहुँचे हैं, सभी के सभी युवा वर्ग के हैं। मुझे ये जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि आज की नौजवान पीढ़ी शास्त्रीय संगीत में बढ़ चढ़कर रुचि लेती है और ये सभी के सभी प्रतियोगी यहाँ तक पहुँचे हैं, इन्होंने संगीत के धुरंधरों को हराया है, तो मेरे लिए और भी सम्मान की बात होगी कि इस बार की संगीत सम्राट की उपाधि इन्हीं में से किसी एक युवा को जाए। और जैसा कि इस संगीत सम्राट प्रतियोगिता का दस्तूर है कि जो भी संगीत सम्राट की उपाधि का विजेता होता है वही दीप प्रज्वलन करके इस महा प्रतियोगिता का शुभारंभ करता है, तो मैं श्री राज बिहारी भट्ट जी से निवेदन करूंगी कि वो दीप प्रज्वलन करें और इस महा प्रतियोगिता का शुभारंभ करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा मिर्जापुर शहर कोई बड़ा शहर नहीं है, कोई मेट्रो सिटी नहीं है, एक छोटा सा शहर है। इसके बावजूद पिछले 20 सालों से हम संगीत सम्राट प्रतियोगिता का सफलतम आयोजन करते आ रहे हैं और जो भी कलाकार संगीत सम्राट की उपाधि को जीतता है पूरे देश और विदेश में उसके हुनर को सराहा जाता है, उसके हुनर का सम्मान किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि अपना मिर्जापुर शहर लोकगीत लोक संगीत के लिए जाना जाता है, पर आजकल हमारे कलाकार शास्त्रीय संगीत में भी आगे आ रहे हैं, तो आइए एक बार फिर से उस संगीत, उस सुर ताल, उस सरगम का आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं, जिसका हर साल हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। हे गणनायक जन सुखदायक, शुभ
कल वो मुझसे बोल रहा था, कल वो मुझसे हाथ में मेरा हाथ लिए चलते रहेंगे, दुख सुख के हम चलते रहेंगे, दुख सुख के हम सारे मौसम साथ लिए, बोल रहा था कल वो मुझसे बोल रहा था, कल वो मुझसे साईं मेरे साईं साईं ऐसा ही समझ लो। वैसे मैं यहाँ अपनी हार नहीं, तुम्हारी जीत देखने आया था। फिर तुम जीतो या मैं, मकसद तो एक ही है। मकसद एक कैसे हो सकता है? तुम ये प्रतियोगिता हमें हराने के लिए जीतना चाहते थे और हम ये प्रतियोगिता अपने बापूजी के लिए और स्कूल के लिए जीतना चाहते हैं। हमारी आखिरी प्रतियोगी है मिस गौरी श्रीवास्तव। हे विंध्यवासिनी माँ, हमारी मदद करना। गौरी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गंगा का नाम पार, गंगा अमृत की धार, गंगा का
लड़की कौन है सर? आपको मालूम नहीं है? जिसे आपने 5 साल पहले हराकर संगीत सम्राट की उपाधि जीती थी, उन्हीं की बेटी है। कौन? मोहन श्रीवास्तव? वो अभी भी जिंदा है? सर क्या जिंदा क्या मरा हुआ, शराब ने तो उसे पहले ही मार दिया था। आजकल सुनने में आया है कि हॉस्पिटल में वो अपनी आखिरी सांस ले। महारानी है वरदानी के घन घन विंध्याचल रानी है। महारानी है वरदानी के घन घन विंध्याचल रानी। महारानी वरदानी के घन घन विंध्याचल रानी। खुली आंखों से पुराने दिनों के सपने में खो गए क्या मोहन श्रीवास्तव? महान गायक मोहन श्रीवास्तव, ये तालियां मैंने तुम्हारी बेटी गौरी श्रीवास्तव के लिए बजाई है, जिसे तुमने शास्त्रीय संगीत की तालीम तो दे दी और जिसके चलते वो सेमीफाइनल जीत भी गई, लेकिन अब उसका मुकाबला फाइनल में संगीत सम्राट रास बिहारी भट्ट के साथ है। वही रास बिहारी भट्ट जिसने तुम्हारे जैसे महान गायक मोहन श्रीवास्तव को मात दी थी। याद है ना मोहन श्रीवास्तव, तुमने क्या सोचा? अपनी बेटी को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा देकर तुम हमें हरा लोगे? कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता ये। जब तुम हमारे सामने नहीं टिक पाए तब तुम्हारी बेटी गौरी श्रीवास्तव कैसे टिकेगी? मोहन श्रीवास्तव, हम तुम्हें समझाने आए हैं कि गौरी से कहो कि प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले ले, वरना हार से मुंह छुपाने के लिए जिस तरह से महान गायक मोहन श्रीवास्तव ने अपने आप को शराब में डुबो दिया है,
लेकिन तुम्हारी बेटी गौरी श्रीवास्तव हारने के बाद कहां जाकर डूबेगी ये तुम सोच भी नहीं सकते। राज बिहारी भट्ट, अब बताओ जो हमारी बिटिया के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो धोखे से जालसाजी से संगीत सम्राट की उपाधि टांग लेने से कोई संगीत सम्राट नहीं हो जाता। याद रखो एक प्राणी है जिसके गले में घर का मालिक पट्टा डाल के रखता है और जब वही प्राणी पगला जाता है ना तो घर के मालिक उसके गले का पट्टा उतार कर म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी में चढ़ा देते हैं। बोल! शांत और म्युनिसिपैलिटी वाले उसका क्या हश्र करते हैं ये तुम बखूबी जानते होगे रास बिहारी भट्ट। और कल देखना मेरी बिटिया गौरी तुम्हारे गले से ये संगीत सम्राट की उपाधि कैसे उतारेगी। फिर तुम्हें क्या करना है तुम खुद सोच लेना। जबान तो तुम लड़ा सकते हो लेकिन संगीत में हमारा मुकाबला नामुमकिन है मोहन श्रीवास्तव। रास बिहारी भट्ट। हाँ रास बिहारी जी बोलिए कैसे याद किया हमें। नहीं नहीं आप मत आइए हम ही आते हैं। कितनी देर लगा दी तुमने? अब तो मिल गए ना जल्दी से बताइए क्या काम है वरना हमें यहाँ पे कोई देख लेगा। आज तक अपने ससुर की धुने चोरी करके हमें देती रही हो आज तक किसी को पता नहीं चला तो आज किसको पता चल जाएगा और कौन देख लेगा यहाँ। सारी धुने तो हमने आपको दे दी अब क्या चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो। नमस्ते। आज तक उन धुनों से हमने शोहरत और दौलत बहुत कमाई है लेकिन हमारा संगीत सम्राट बनने का सपना आज तक अधूरा है। तुम चाहो तो उसे अंजाम दे सकती हो। हम? वो कैसे? बस किसी तरह शीशी की दवाई को अपने ससुर के गले तक पहुंचा दो। वादा करते हैं जीत की आधी रकम तुम्हें दे देंगे। रकम तो सही है पर इस शीशी में क्या है? अरे डरो नहीं जहर नहीं है दवा है। जैसे ये दवा तुम्हारे ससुर के गले तक पहुंचेगी उनके गले में खराश पैदा होगी। ज्यादा सोचो मत गिला रखो इसे और जल्दी से काम को अंजाम दो। अब रुकिए ये पानी मोहन श्रीवास्तव के लिए है ना लाइए हम दे देंगे उन्हें वो हमारे ससुर जी हैं हम पिला देंगे आप जाइए।
नमस्ते नमस्ते, हम कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा हा? हमें तुम्हारी जरूरत आन पड़ी है। पिछली बार तुमने हमें विजेता बना के लाख रुपए कमाए थे, है ना? हाँ हमें सब याद है, और ये भी याद है ना कि उन पैसों के लिए हमें कितनी बार चक्कर काटना पड़ा था आपके पास। उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हम आपके लिए एडवांस लेकर आए हैं, ये लीजिए। पर करना क्या है? सभी को जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था वो आ चुकी है। आज फाइनल राउंड है, जिसमें कल की सेमीफाइनलिस्ट मिस गौरी श्रीवास्तव का मुकाबला होगा पिछले 5 साल से विजेता होते आ रहे श्री राज बिहारी भट्ट जी से। कल मिस गौरी श्रीवास्तव के गायन की आप सभी ने बहुत सारी तारीफ की, सराहना भी की। क्या मिस गौरी श्रीवास्तव संगीत सम्राट राज बिहारी भट्ट जी का मुकाबला कर पाएंगी? क्या वो एक नया इतिहास बना पाएंगी? क्या वो ये प्रतियोगिता जीत पाएंगी? ये तो आज की प्रतियोगिता के अंजाम में ही पता चलेगा। हे विंध्यवासिनी माँ, आज भी हमारी मदद करना, हमारा ये प्रतियोगिता जीतना बहुत जरूरी है। आपके आशीर्वाद से ही ये संकल्प पूरा हो सकता है। आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना। हे भगवान, दवा तो गिर गई, गिरास बिहारी हार गया, तो हम तो गए। गौरी, तुम घबराना मत, बाबूजी को कुछ भी नहीं होगा, हम सब है ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस इस प्रतियोगिता में ना ध्यान लगाकर गाना गाओ, तुम्हारा ये प्रतियोगिता जीतना बहुत जरूरी है। तुम बस गौरी मन लगाकर गाना गाओ। लेकिन भाभी, आप क्या हुआ है बाबूजी? कुछ नहीं हुआ उन्हें, तुम बस ना प्रतियोगिता में मन लगाकर गाना गाओ। भाभी प्लीज ये पहेलियां बुझाना बंद कीजिए, बताइए ना क्या हुआ है बाबूजी को। गौरी, बाबूजी बस कुछ दिनों के मेहमान रह गए। बस भाभी बस, चुप हो जाइए। भाभी आप झूठ बोल रही है ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना, बोलिए प्लीज भाभी, बताइए सब झूठ है ना, प्लीज भाभी प्लीज बताइए। काश गौरी ऐसा ही होता जो तुम कह रही हो, पर ये सच नहीं है। बाबूजी हमसे बर्दाश्त करके चले जाएंगे, शायद वो तुम्हारी जीत की खुशी देखने के लिए भी नहीं रह पाएंगे। मिस गौरी श्रीवास्तव, आप जहां कहीं भी हो कृपया मंच पे आ जाएं। गौरी तुम जाओ, तुम्हारा नाम पुकारा जा रहा है, तुम चिंता मत करो। हाँ मैं ना, ये सब भगवान की लीला है। हे भगवान, बाबूजी को इतना क्यों तड़पा रहे हो, इससे चावले उठा लो। जी माँ विंध्य।
तो आइए अंजाम जानने के लिए आगाज करते हैं और बुलाते हैं मिस गौरी श्रीवास्तव को। मिस गौरी श्रीवास्तव, आप जहां कहीं भी हो कृपया मंच पे आ जाएं। हमें शराब ला दो, बस वो पी के हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ हाँ, मैं थोड़ी सी शराब दे दो। क्या बात है बेटी, चुप क्यों हो? गाओ। दीदी सिंग, कम ऑन दीदी, दीदी गाओ। राधा रानी के आवन से हर्षाए उठे ब्रज की गलियां, जब राधा आंख से ओझल हो मुरझाए पड़े मन की कलियां। कन्हैया वृंदावन में, कहत कन्हैया वृंदावन में, आन बसी राधा मेरे मन में, कहत कन्हैया वृंदावन में। धान दिखत धान दिखत धातक दिखत धातक दिखत कतक दिगन कतक दिगन धा, धान दिखत धान दिखत धातक दिखत कटक दिगन था देखा तूने कैसा दर्पण, देखा तूने कैसा दर्पण, मेरा में था कान्हा का मन, देखा तूने कैसा दर्पण। वृंदावन में आन बसी राधा।
तड़पाए रही राधा बनी निसुन क्यों तो काना को चिंता छा रही कहते कन्हैया वृंदावन में आन बसी राधा मेरे मन में कहते कन्हैया वृंदावन में आन बसी राधा मेरे मन में कहते कन्हैया वृंदावन में बच्चों ने गाया तो बहुत ही अच्छा है। दोनों ने ही साबित कर दिया है कि एक ही मंच पर दो दो ऐसे रत्न हो सकते हैं जिनमें से एक को उत्तम कहना बहुत ही मुश्किल है। नियम पर ध्यान रखते हुए ये बच्चा इस प्रतियोगिता में था ही नहीं। मैं इस बार के विजेता एक बार फिर से श्री राज बिहारी जी भट्ट को घोषित करता हूँ। पब्लिक आपकी चीज से खुश नहीं, भला इसी में है कि इस लड़के को विजेता बनाकर आप हीरो बन जाइए, वरना पिछले 5 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि संगीत सम्राट प्रतियोगिता के नियमानुसार ये बालक इसमें प्रतियोगी नहीं है, फिर भी इसमें दो राय नहीं कि इसने अच्छा गाया है। हम ये ट्रॉफी जीतकर नौजवान पीढ़ी को निराश नहीं करना चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि उन्हें बढ़ावा दिया जाए। इसलिए मैं जज साहब से निवेदन करूंगा कि ये ट्रॉफी स्वयं अपने हाथों से इस बच्चे को दें जो कि इसका असली हकदार है। रिस्पेक्टेड जजेस और मिर्जापुर के प्यारे निवासियों, इस ट्रॉफी के लिए बहुत 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 थैंक यू। असल में मैं तो एक भटका हुआ पंछी हूं जो हवाओं के साथ अपनी दिशा बदल लेता है। सच कहूं तो मुझे म्यूजिक की जरा सी भी नॉलेज नहीं थी, जरा सी भी समझ नहीं थी, पर जिस महान व्यक्ति ने चंद दिनों में मुझे शास्त्रीय संगीत में इतना निपुण बना दिया, असल में ये ट्रॉफी उनके लिए है। मैं अपने गुरु को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। संगम, जी हाँ, यही है मेरे संगीत गुरु, संगीत सम्राट श्री मोहन श्रीवास्तव जी।
असल में इस ट्रॉफी के असली हकदार यही है। हमसे माफी दिए बिना तुम कैसे जा सकते हो?